नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। कांकेर की सभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस और विकास एक साथ संभव नहीं। बघेल सरकार पर वार, प्रदेश को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बाद सीएम नीतीश कुमार ने एनटीआईए में कांग्रेस की भूमिका पर उठाए सवाल। पार्टी बोली पांच राज्य भी महत्वपूर्ण। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के राज्यसभा से निलंबन के मामले पर सुनवाई कोर्ट ने पूछा कब तक सस्पेंड रहेंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बोली शब्दों से मेरा बस हरण किया गया। टीएमसी ने एथिक्स कमेटी चेयरमैन को धृतराष्ट्र बताया, बाकी सदस्य दुर्योधन की तरह। कर्नाटक से आ रही बस महाराष्ट्र में रोकी, यात्रियों को उतारा फिर लगा दिया आग। मराठा आंदोलन तक राज्यों के बीच बस सेवा निलंबित। प्रवीरपुर कायस्थ और अमित चक्रवर्ती को नहीं मिली राहत। न्यूज क्लिक मामले में कोर्ट ने 1 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। एनआईए को पूरे आईएसआई स्मॉटल मामले की जांच में मिली बड़ी कामयाबी। झारखंड से दबोचा 8वां फरार आरोपी, 3 लाख का था इनाम। ये मोदी 2 है, प्यारे ने आकर कह दिया केसीआर ने इतना पैसा लिया हम आकर वापस कर देंगे। राहुल गांधी पर एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का वार। दिल्ली की हवा जहरीली हुई, एक्यूआई 400 पार, 5वीं तक की कक्षाएं 2 दिन तक बंद। हवा सुधारने के लिए दिल्ली एनसीआर में क्रैप 3 लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण देने को तैयार। मनोज जारंगे ने भूख हड़ताल खत्म की, सरकार को 2 जनवरी तक का समय दिया। रायपुर भिलाई में ईडी का ताबड़तोड़, एक्शन ड्राइवर के घर 2.5 करोड़, रायपुर में कार से 3.12 करोड़ कैश जब्त। पैसा चुनाव में खपाने का शक। कालाबुरागी में ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच जबरदस्त टक्कर, 2 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत। अफजलपुर पुलिस स्टेशन में सड़क हादसे को लेकर मामला दर्ज। राज्यपाल कर रहे पद का दुरुपयोग, कुलपतियों की नियुक्ति मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार। सरकार द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे राज्यपाल। भारत कर रहा है सबसे अधिक विमानों की खरीद, अगले 2-3 से महत्वपूर्ण साल हैं। भारत के केवल 3% लोग विमान यात्रा करते हैं। अगले हफ्ते होगी भारत अमेरिका 2+2 वार्ता। इजराइल फिलिस्तीन विवाद सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा तय है। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत आएंगे। गाजियाबाद में अनिल राठौड़ की हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल हुई ईंट भी बरामद की गई है। झांसी में पुलिस ने किया लूट की घटना का खुलासा, नकाबपोश बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की तलाश में मऊरानीपुर पुलिस जुटी हुई है। रायबरेली में दीपावली त्योहार को लेकर प्रशासन सख्त, सीओ ने पटाखों की दुकानों पर की छापेमारी। फायर डिस्ट्रीब्यूटर की व्यवस्था की गई है, नहीं ये भी जांच की जाएगी। बाईस जनवरी को होगी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, 2 करोड़ घरों तक पहुंचेगा रामलला का प्रसाद। ब्रज प्रांतों के भक्तों को दिया गया पहले दर्शन का सौभाग्य। कानपुर पुलिस का एक और शर्मनाक वीडियो वायरल, नशे में धुत पुलिस वाले ने गरीब के ठेले के पास किया पेशा। वीडियो से संबंधित दोनों सिपाही डायल 112 में कार्यरत है।
लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा, पार्टी से चल रहे थे नाराज। लखनऊ के पब्लिशिंग हाउस में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान हादसा, करंट लगने से महिला समेत चार मजदूर झुलसे, एक की मौत। लखनऊ में लागू की गई धारा 144 धरना प्रदर्शन, राजनीतिक आयोजन पर प्रतिबंध, पुलिस को किया गया अलर्ट। लखनऊ में प्राइवेट अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप, डेंगू बुखार से पीड़ित 6 साल के मासूम शौर्य की हुई मौत, प्लेटलेट्स डाउन होने पर अस्पताल में शौर्य को कराया गया था भर्ती। लखनऊ में यूपी स्टेट मेगा एक्सपो की शुरुआत, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 9 दिवसीय कार्यक्रम, रेशम और खादी के कपड़े बनाने वाले लोग भी शामिल। लखनऊ कानपुर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, लखनऊ से कानपुर की ओर जा रही कंटेनर पीछे से घुसी, हादसे में कार के परकच्छे उड़ गए। औरैया में जोरों से चल रही धान की बिक्री, आड़तियों को धान बेचने को मजबूर किसान, किसानों की सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। आजम खां के जौहर ट्रस्ट को सरकार का नोटिस, डीएम ने गठित की कमेटी, स्कूल खाली करने का नोटिस जसपा। बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने की युवक की पिटाई, घायल युवक के परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। गोना में नहर किनारे मिला युवक का शव, शव मिलने से इलाके में मची अफरा तफरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ मिशन 2024 में जुटी भाजपा, जातिगत जनगणना की काट के लिए बीजेपी उतारेगी ओबीसी नेता, शाह और नड्डा की अगुवाई में हुई मैराथन बैठक में फैसला लिया गया। लखनऊ राज्य कर्मियों को दिवाली से पहले बोनस का तोहफा, 4% महंगाई भत्ता और बोनस के रूप में 6,908 रुपए मिलेंगे, 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। लखनऊ एलडीए का महाकारनामा, विभूति खंड में 52 खाली भूखंडों के दस्तावेज एलडीए से गायब, ड्रोन सर्वे में चिन्हित किए गए थे व्यावसायिक भूखंड। लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर युवक की गला काटकर हत्या, रात 1 बजे सड़क पर पड़ा मिला शव, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पहचान भी मुश्किल, रात भर शव को रौंदते रहे वाहन, सुबह सड़क पर चिपके चिथड़े मिले, पुलिस ने झाड़ू लगाकर इकट्ठे किए। रेल हेरिटेज पार्क की अड़चन बना बिजली कनेक्शन, महाराजा स्पेशल ट्रेन जैसी सुविधाओं के साथ बनकर है तैयार, रेलवे को इसके उद्घाटन के बारे में जानकारी नहीं दी गई। ट्रेन से कटकर युवक की मौत, परिजन बोले बेटे की हत्या की गई, पुलिस जांच कर रही है। बदायूं में फिर जीव हत्या, लोगों ने लाठी से सांप मार डाला, वन विभाग कराएगा पोस्टमार्टम। युवक की हत्या कर हाथ बंधा, शव खेत में फेंका मिला, इसकी सूचना शिक्षकों ने प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष गोविंद मिश्रा को दी है, जांच में जुटी पुलिस। ब्रज प्रांत के 2 करोड़ घरों तक पहुंचेगा रामलला का प्रसाद, भक्तों को मिलेगा पहले दर्शन का सौभाग्य, विहिप का प्रयास है कि ऐसे सभी लोग इस पल के साक्षी बने। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सपा के पाली में लगाई सेंध, दिग्गज कुर्मी नेता थामेंगे कांग्रेस का हाथ, कुर्मी बिरादरी के कई अन्य नेता भी कांग्रेस का रुख करेंगे।
वो माफिया कमलेश यादव और दीनानाथ की 24 करोड़ की संपत्ति और जब्त मकान पर लगाया गया सरकारी ताला। मेरठ का सरकारी टीचर कमलवीर गिरफ्तार, आरोपी ललित कौशिक कर रहा पार्टनर। कमलवीर सिविल लाइंस के प्रकाश इनकलम में परिवार के साथ रहता है। छर्रा का दिव्या हॉस्पिटल सील कर दिया गया, डिप्टी सीएम से की गई थी अवैध संचालन की शिकायत। भाग रहे चार चेपकर तब उछे गए, भेजे गए जेल। चार चेपकतरों को लोगों ने गौतम चौराहे के पास पकड़ा है। त्योहारी सीजन में सक्रिय हुए मिलावटखोर, देहरादून से ले जाया जा रहा 4 क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा। एफडीए विजिलेंस टीम बॉर्डर एरिया पर चेकिंग कर रही है। गुम हो गई वो महक, अभी विदेशों तक थे देहरादून के बासमती के चर्चे, अब ढूंढने से भी नहीं मिल रहे खेती के लिए बीज। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए अहमदाबाद से दिल्ली लौटे सीएम धामी, कहा अब तक 94,000 करोड़ के एमयू पर हुए करार। कालाढूंगी में तेंदुए का आतंक, आंगन में खेल रही 5 साल के मासूम को बनाया निवाला, बगीचे में मिला शव। पंजाब हरियाणा कोर्ट की जस्टिस रितु बाहरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश, पिता भी हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसा, दुकान के ऊपर पेड़ गिरने से पिता की मौत, बेटा घायल। दीपावली पर ड्यूटी करने वाले रोडवेज कर्मियों को तोहफा मिलेगी, विशेष प्रोत्साहन राशि निगम प्रबंधन ने प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। उत्तराखंड में पेड़ों की अवैध कटान पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से 1 सप्ताह में मांगा जवाब, अन्य अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया गया था। परवान नहीं चढ़ रही भांग की व्यावसायिक खेती की नीति, प्रस्ताव को मंजूरी का इंतजार, कई देश कर रहे हैं भांग की खेती और व्यापार। बेटे के बचने की उम्मीद खो चुके थे मां बाप, लेकिन मौत के मुंह से खींच लाए दोस्त, पेश की ऐसी मिसाल। यूजीसी सारथी योजना के तहत पौड़ी के 3 युवा बने छात्र राजदूत, देंगे कई शिक्षा नीति की जानकारी। ठेंगे पर पीसीसीएफ के आदेश, नए तैनाती स्थलों पर नहीं पहुंचेंगे रेजर, विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सफाई व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी, 13 अधिकारियों को सौंपे जिम्मेदारी, नगर निगम ने देहरादून को स्वच्छता रैंकिंग में टॉप 50 में लाने का लक्ष्य रखा। एनपीएस में कटे अंशदान को केंद्र से वापस मांगेगी सरकार, शासनादेश जारी होने का इंतजार, विभागीय स्तर पर मांगे जा सकते हैं आवेदन। वन निगम डिपो में गड़बड़ी, लकड़ी की नीलामी में हुआ खेल, मामले में 16 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट। इजराइल हमास की जंग में भारतीय मूल के सैनिक हलील सोलोमोन की मौत, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमें कुछ भी नहीं रोक सकता है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, ताइवान में फिर 20 चीनी विमानों ने किए घुसपैठ, ताइवान ने इरादे कर दिए हैं साफ।
सीजीबीजी को रद्द करने वाले कानून पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया हस्ताक्षर। उप विदेश मंत्री ने कहा था मास्को प्रतिबंध का सम्मान करेगा। पाकिस्तान में आम चुनाव की आई तारीख। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 5 दिसंबर को प्रकाशित किए जाएंगे अंतिम सूची। इजरायली सैनिकों ने रात भर गाजा में दर्जनों हमास के लड़ाकों को किया ढेर, आईटीएफ के प्रवक्ता का दावा है। लंच में मशरूम खाने के बाद 3 लोगों की मौत, खाना परोसने वाली महिला गिरफ्तार। सुपरमार्केट से महिला ने खरीदा था मशरूम। हमास ने इसराइल को दी खुली चुनौती, जारी रहेगा कत्लेआम, देश को तबाह करके लेंगे चैन, हमें शहीदों का बलिदान देने पर गर्व है। मिस्र ने घायल फिलिस्तीनी और विदेशी नागरिकों के लिए खोला बॉर्डर, रफा क्रॉसिंग के जरिए दी एंट्री की इजाजत। नाइजीरिया में इस्लामी समूह बोको हराम का खूनी तांडव, 37 गांव वालों को उतारा मौत के घाट। इस्लामी चरमपंथी समूह बोको हराम बेहद घातक है। जबालिया शरणार्थी शिविर पर हमला कर इजराइल ने 7 बंधकों को मार डाला, जारी जंग के बीच हमास ने किया दावा। कुल 4 सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा चढ़कर 64,400 के पार, निफ्टी 19,200 के ऊपर। यूपीआई चला श्रीलंका, भारत में धूम मचाने के बाद पड़ोसी देशों को भी डिजिटली माध्यम लुभा रहा है वित्त मंत्री का ये बड़ा ऐलान है। दिवाली छठ पर घर जाना हुआ आसान, नई दिल्ली पटना के बीच चलेगी गति शक्ति स्पेशल ट्रेन, लोगों को इन ट्रेनों के आने से कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी। ₹2042 करोड़ के रुपए दान देकर शिव नादर बने देश के सबसे बड़े दानवीर, अजीम प्रेमजी दूसरे स्थान पर, कुल दानवीरों में 7 दानवीर महिलाएं। त्योहारी सीजन में गेहूं आटे की बढ़ती कीमतों पर नकेल कसने की कवायद, ई नीलामी के जरिए सरकार ने बेचा 2.87 लाख टन गेहूं। मामा अर्थ के आईपीओ को निवेशकों का फीका रिस्पांस, महज 7.161 गुना सब्सक्राइब होकर इश्यू हुआ क्लोज। इसराइल हमास युद्ध के दूसरे क्षेत्र तक फैलने से महंगाई बढ़ने का खतरा, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह, ग्लोबल इकोनॉमी की राह में बड़ा अड़चन। वैश्विक अनिश्चितता और महंगाई के चलते बढ़ी सोने की ग्लोबल डिमांड, 9 महीने में सेंट्रल बैंकों ने खरीदा 800 टन सोना, चीन सबसे बड़ा खरीदार रहा। वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए 24 करोड़ सब्सक्राइबर्स के खाते में ईपीएफओ का ब्याज हुआ क्रेडिट, श्रम मंत्री ने दी है जानकारी। लैंको यूनिट के लिए गौतम अडानी ने बढ़ाया दाव, रेस से बाहर हुई मुकेश अंबानी की कंपनी। कोहली को बॉलिंग दो, टीम इंडिया के फैंस ने वानखेड़े में की दिलचस्प डिमांड, टीम इंडिया विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रनों की रेस में फिर से आगे बढ़े विराट, इससे पहले वह टॉप 5 से बाहर चले थे, विकेट के मामले में बन दुशका नंबर 1। श्रीलंका के घटिया प्रदर्शन पर आयुष्मान खुराना की पोस्ट, फोटो शेयर कर लिखा, मैं कहने वाला था जीतने के लिए सब दो दो हाथ लगाना यारों, इनका तो तीसरा भी गिर गया।
डेंगू की वजह से घट गया था शुभमन गिल का 4 किलो वजन। कहा, मैंने गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। बात रोहित ने कहा, इस तरह की गेंदबाजी देखना सुखद एहसास होता है। श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की उम्मीदें और बढ़ी, पॉइंट्स टेबल में फिर उलटफेर। तीन मैचों में 14 विकेट लेने के बाद अब मोहम्मद शमी बोले, मेरी गेंदबाजी में रॉकेट जैसी चीज नहीं, हम एक साथ काम कर रहे हैं। भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से धूल चटाकर लगाई रिकॉर्ड्स की छड़ी, वानखेड़े को बनाया इतिहास का पन्ना। मोहम्मद शमी का ऐतिहासिक कारनामा, भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी अब तक 97 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, सिर्फ 1 रन बनाकर गवाए 4 विकेट, ये भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत बन गई। तेजस के फ्लॉप होने के बाद द्वारिका धीश मंदिर गई कंगना रनौत, हुई बुरी तरीके से ट्रोल, यूजर्स बोले बस रील्स ही बनाया करो अब। करीना कपूर ने शेयर की शाहरुख खान के बीच बर्थडे बैश की इनसाइड फोटोज, गर्ल गैंग के साथ मस्ती करती नजर आई बेबू। प्रेगनेंसी रूमर्स को खारिज करते हुए ग्रीन कलर के फिटेड आउटफिट में स्पॉट हुई कैटरीना कैफ, थाई हाई लिस्ट ड्रेस में टाइगर 3 एक्ट्रेस लगी गॉर्जियस। बिग बॉस के बाद अब टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया में दिखेंगे अभिषेक मल्हान और एल्विश यादव, यूजर्स बोले फाइनली मिल ही गए दोनों भाई। अंकिता लोखंडे ने ऐश्वर्या शर्मा के पति को बुलाया डरपोक, भड़की एक्ट्रेस ने घर में किया हंगामा। आर्या 3 रिलीज होने से पहले सुष्मिता सेन ने किया खुलासा, क्यों लिया था एक्टिंग से ब्रेक, बोली मैं खुश नहीं थी। बर्थडे पर झूमे जो पठान पर जमकर नाचे शाहरुख खान, रमैया नॉट वास्तव्या पर भी किया खूब डांस। सनी देओल ने अक्षय कुमार से की थी रिक्वेस्ट, गदर 2 और ओ माय गॉड 2 का क्लैश नहीं चाहते थे खिलाड़ी, कुमार ने कर दिया मना। वरुण तेज और पूर्व मिस उत्तराखंड लावण्या की ड्रीम फेटी इटली में रचाई शादी, साउथ के सुपरस्टार रामचरण और अल्लू अर्जुन भी नजर आए। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए आदित्य और अनन्या, मालदीव से जन्मदिन सेलिब्रेट करके लौटी एक्ट्रेस, ट्यूनिंग करते दिखे रिमोट कपल। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।